दोस्तों, रहने के लिए हम सबको घर की जरूरत पड़ती है। हमारे घर कैसे होते हैं ये डिसाइड होता है हमारे कल्चर, हमारे मुल्क की जियोग्राफी और हमारी इनकम से। क्योंकि सर्दी वाले इलाकों के घर अलग तरह के होते हैं और गर्मी वाले इलाकों के घर अलग तरह के होते हैं। जहाँ ज्यादा तूफान आते हैं वहाँ के घर भी अलग तरह के होते हैं। किसी का घर महल होता है तो कोई झोंपड़ी में ही रहता है। बट हर घर में एक चीज कॉमन होती है, वो हमेशा एक ही जगह पर ही रहती हैं। लेकिन इस चैनल पर हम कॉमन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, यहाँ तो हम सबसे यूनिक चीज़ें ही आपको दिखाते हैं। और इसीलिए आज हम आपको जो घर दिखाने वाले हैं वो घर एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि आप इन्हें लेकर कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं 10 खूबसूरत घर जो चलते भी हैं। नंबर 1, वोथा हेलीजेथ। ये काफ़ी अजीब चीज़ है और ये बात आपको इसके अजीब नाम से ही पता चल गई होगी। वो था हेलीजेथ, इसका मतलब है व्हाट द हेल इज दैट। इसे ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर राब ग्रे ने डिजाइन किया है। ये एक लग्जरी बीच हाउस है जो मूव भी कर सकता है। इसमें खाने पीने की कई चीजों को स्टोर करने की इतनी जगह मौजूद है कि 3 महीने तक आपको इस घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें फुल सेपरेट बेडरूम, किचन और सीटिंग एरिया है। लेकिन इस मोटर होम की सबसे अच्छी जगह है इसका पोर्च, जो बाहर निकल सकता है और अंदर बंद भी हो सकता है। फोटोग्राफर होने की वजह से मिस्टर ग्रे को ऐसे पोर्च से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। वो अपने पोर्च में काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस व्हीकल में एक गिराज भी है जिसमें एक बाइक फिट हो सकती है। ग्रे के इस व्हीकल की डिज़ाइन यूनिकैट से इंस्पायर्ड है। बाहर से दिखने पर ये एक नॉर्मल ट्रक लगता है, लेकिन अंदर जाने पर ये बेहद लग्जरी होटल से कम नहीं लगता। इसमें बैठने के लिए शानदार एरिया है, साथ ही फुल किचन, इधर स्लीपिंग एरियाज, टॉयलेट जैसी सभी चीज़ें मौजूद हैं। इससे इंस्पायर होकर ग्रे ने अपने ट्रक को भी डिज़ाइन किया है। नंबर 2, बुफेलिनो। इस थ्री व्हीलर को जर्मन डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था, जो हमारे यहाँ के ऑटोज रिक्शा की तरह लगता है। लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो ये किसी शानदार लग्जरी घर से कम नहीं लगेगा। इसके अंदर बेड है, 2 सीट्स हैं, शॉवर है, स्टोरेज के लिए जगह है, किचन, फ्रिज और वाटर टैंक है। लैपटॉप और वाटर रखने के लिए एक डेस्क और कपड़े सुखाने की भी जगह मौजूद है। ऐसा ऑटो रिक्शा हो तो फिर लग्जरी कार से चलना भला कौन पसंद करेगा। नंबर 3, एयर स्ट्रीम एक्सट्रीम। ये एक ऐसी अमेरिकन वैन है जिसमें रहने पर आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी घर में रह रहे हैं या किसी वैन में, बल्कि आपको लगेगा कि आप एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं। इसका नाम है एयर स्ट्रीम 684 सीरीज 2। इस ट्रेलर में 4 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये 8.25 मीटर लंबी वैन है। इसमें शानदार सोफा सेट, LED TV, बेड, ये सभी चीजें मौजूद हैं। पर ये एक मोटर हाउस नहीं है क्योंकि ये खुद से नहीं चल सकती, आपको किसी दूसरी कार से इसे खींचना होगा। पर अगर इसमें इस कार की तरह खुद का इंजन लगा दिया जाता तो ये काफी अच्छे से खुद ही चल सकती थी, लेकिन तब इसकी डिजाइन काफी बेकार लगती। नंबर 4, एलिजियम RV। अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है लेकिन ट्रैवल करने के दौरान अपने साथ सभी तरह का घर जैसा आराम और सहूलत भी आपको चाहिए तो ये बस आपके लिए है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है फ्यूरियन। ये कंपनी लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्टरनेटिव एनर्जी इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। इनकी ये बस भी काफ़ी शानदार निकली। अंदर से इसे काफ़ी बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। इसकी छत पर जाने पर तो ये और भी शानदार दिखाई देती है। छत पर एक लाउंज एरिया है जिसमें हॉट टब है। अगर आप इस बस से किसी ज़रूरी काम पर जा रहे हैं लेकिन बस किसी ट्रैफिक जाम में फंस गई है तो सिंपली छत पर आइए और अपने हेलीकॉप्टर से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाइए। क्योंकि इस बस के ऊपर की तरफ हेलीपैड बना हुआ होता है जिसमें आपका 2 सीटर हेलीकॉप्टर मौजूद रहेगा। नंबर 5, वाल्कनर मोबाइल परफॉर्मेंस। ये कोई मामूली बस नहीं है, इसे द पैलेस ऑन व्हील कहा जाता है। ये शानदार महल चल सकता है। इसे तकरीबन 12 महीने तक डिजाइन किया गया था। इसे जर्मन कंपनी वाल्कनर ने डिजाइन किया है। इसमें इतने लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं जिससे लगता है ये किसी शाही खानदान की बस है। 40 फीट लंबी इस बस में फुल किचन है, एक बड़ी TV है जिसमें होम थिएटर लगा हुआ है। इस बस का मेन फीचर मुझे इसका गैराज स्पेस लगता है जिसमें एक सुपर कार खड़ी हो सकती है। इस बस के ऊपर भी हेलीपैड बना हुआ है। इस शानदार बस की कीमत है $1.7 मिलियन। नंबर 6, द सी लैंडर।
अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का शौक है और बहुत देर ट्रैवलिंग के बाद आप थक जाएं और सोना चाहें तो नॉर्मल कार में तो आपको अपनी सीट पर ही सोना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास है सी लैंडर तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पहले लॉन्ग टूर पर जाइए और फिर इस व्हीकल को पानी में उतार कर आप आराम से रिलैक्स कीजिए और ये व्हीकल पानी में तैरता रहेगा। सी लैंडर के अंदर एक मोटर लगा हुआ है जिसका मतलब आप जहाँ चाहें वहाँ पानी में इसे लेकर जा सकते हैं। इसमें दो लोगों के लिए सोने की जगह है और एक टेबल पड़ी हुई है जिसका यूज दूसरे कामों यानी डिनर या वर्क के लिए हो सकता है। इसके अंदर सभी सहूलतें मौजूद हैं जो एक लग्जरी घर में होती हैं। इस बस की शुरुआती कीमत है $8,50,000। नंबर 7, मोबाइल मेंशन। एडेसन मोबाइल स्टेट डबल डेकर सेमी ट्रेलर पहियों पर चलता हुआ एक लग्जरी मेंशन है। इसे सिंपली मोबाइल मेंशन भी कहा जा सकता है। साइज और डिजाइन के मामले में ये अपने सभी साथी ट्रेलर से काफी ज्यादा आगे है। ये कोई मामूली बस की तरह नहीं है, ये 18 व्हील लॉन्ग एक ट्रक है जिसे डबल डेकर माना गया है। ये अमीर और फेमस लोगों के लिए ही बनाया गया है जिसमें रहते हुए ट्रैवल किया जा सकता है। इस तरह के मेंशन एक्टर विल स्मिथ, ब्रैड पिट, हैरिसन फोर्ड और इन्हीं के जैसे और भी एक्टर्स के लिए बनाया गया है। ये ऐसा ट्रक है जिसमें ओनर की पसंद की सारी सहूलत कस्टम तरीके से दी जाती हैं। अगर इसका ओनर म्यूजिशियन है तो इसके लिए म्यूजिक इक्विपमेंट दिए जाएंगे। अगर ओनर को गेम खेलना पसंद है यानी वो गेमर है तो गेम्स की सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल कराई जाएंगी। ये तो कस्टम फीचर्स हैं। इसका मेन फीचर है शानदार और कंफर्टेबल लिविंग स्पेस। आप इसे किराए पर भी ले जा सकते हैं, पर अगर आप इसे खरीदना चाहें तो इसके लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। नंबर 8, द डबल बैक। ये काफी यूनिक और नए डिजाइन का व्हीकल है। फोक्सवैगन कंपनी की इस कार को चलाना अपने आप में काफी शानदार एक्सपीरियंस होगा। इसके पीछे का हिस्सा थोड़ा निकला हुआ है, इसमें बड़े मोटर होम की जितनी जगह बन जाती है और इस बड़ी सी जगह में पड़ा होता है बड़ा सा बेड जिसमें दो लोग आराम से आ सकते हैं। इसमें अंदर के पार्ट में किचन, लिविंग एरिया जैसी जरूरत की जगह है। नंबर 9, एलिमेंट प्लेजो सुपीरियर। ये दिखने में लगता है किसी UFO और बस को मिलाकर बनाया गया व्हीकल है। एलिमेंट प्लेजो सुपीरियर को मार्शी मोबाइल कंपनी ने बनाया है और दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में इसे मोस्ट लग्जरियस्ट मोटर होम माना गया है। इसके अंदर पार्ट प्राइवेट जेट और सुपर कार्स के फीचर मौजूद हैं। ये 45 मीटर लंबी है। इसके साथ इसका केबन दोनों साइड एक्सपेंड हो जाता है जिससे इसकी चौड़ाई 5 मीटर हो जाती है और रहने के लिए इसमें और भी जगह बन जाती हैं। इसमें लॉन्च एरिया है, किचन है, मास्टर बेडरूम है, फ्यूचरिस्टिक बाथरूम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाटर कंट्रोलर दिए गए हैं। इसके अलावा 2 लार्ज साइज TV भी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें बाहर काफ़ी अच्छी छत भी है जिसमें लाइटनिंग और ऑडियो सिस्टम लगे हुए हैं। नंबर 10, हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है द नेवर वॉश हाउल। ये 3 स्टोरी का एक विक्टोरियन हाउस है। इसे बर्निंग मैन आर्ट फेस्टिवल 2006 में ब्लैक रॉक डिजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया था। तब से बहुत से म्यूजिक वीडियो और शोज में इसे देखा जा चुका है। इसे शीनन ओहिरी ने डिजाइन किया था और वो लैंटेरियर की एक टीम ने इसे USA में बनाया था। इसे बनाने के लिए 75% रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये 7 मीटर ऊंचा है और 4 मीटर लंबा है। इसे चलाने के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसकी स्पीड काफी कम है पर यह चलता फिरता घर जरूर है और जब ये रोड पर निकलता है तो हर इंसान की नज़र इस पर जरूर पड़ती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा मोटर होम सबसे ज़्यादा पसंद आया है नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्पिन फॉर हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।